5 जून को राज ठाकरे जी मुंबई महाराष्ट्र से अयोध्या आ रहे हैं, श्री रामलला का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उनके सभी पदाधिकारी, जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता हैं, महासचिव सभी हैं, उपाध्यक्ष हैं, विभागाध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं और विभिन्न कार्यकर्ता जो भी राम भक्त हैं, वो सभी राज ठाकरे जी के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या में दर्शन लाभ लेंगे, श्री रामलला का आशीर्वाद लेंगे और ये कामना करेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार जो कि भ्रष्ट हो चुकी है, उसे सद्बुद्धि दे ताकि महाराष्ट्र के लोगों का हित हो सके। कितने कार्यकर्ता आने की उम्मीद है? हमने 12 ट्रेन मांगी है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि करीब 15,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता महाराष्ट्र से यहाँ पहुँचेंगे। ये संख्या और बढ़ भी सकती है क्योंकि लगातार कार्यकर्ताओं की इच्छा व्यक्त हो रही है और हमने जो पंजीयन शुरू किया है कार्यकर्ताओं को जो जाना चाहते हैं, तो उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब हमें भारत सरकार की तरफ से कितनी ट्रेन मिलती हैं और कितनी बस की व्यवस्था हम कर सकते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि कितनी संख्या में लोग पहुँचेंगे। लेकिन कई हज़ार की संख्या में यहाँ लोग हमारे साथ, राज साहब के साथ में पहुँचेंगे, ये हमारा भरोसा है। कितने दिन का कार्यक्रम है और कहाँ कहाँ जाने की संभावना है? रामलला का दर्शन, अयोध्या का जो मुकाम है, अयोध्या में रुकने का जो कार्यक्रम है, वो एक ही दिन का है। लेकिन राज ठाकरे जी उससे पहले लखनऊ आएंगे और अभी जो कार्यक्रम है वो तय होना इसलिए बाकी है कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से क्या कार्यक्रम पत्रिका बनती है, उसमें कहाँ किस तरह से चीज़ें बनती हैं, उसको बनने में थोड़ा सा समय है और जैसे ही ये कार्यक्रम बन जाएगा उसकी जानकारी आप सबको दे दी जाएगी। डॉक्टर वागीश सारस्वत, महासचिव, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना।